आराम से सुनना जो नए स्टूडेंट है ना. ड्यूरिंग 1953 यूएस प्रेसिडेंट एसन होवर. यार ये ब्लैक होगा ना. 1953 में यूएस प्रेसिडेंट वाज एसन होवर. उस टाइप पर जैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपको पता ही क्या हुआ ना जापान को केस. अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन क्या होता है, इंक्रीज इन स्प्रेड, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना. ठीक है, जैसे ऑनलाइन चलती है ना 365 कितनी प्रोलिफरेट करती है. दैट इज सो इट मीन्स उस टाइम पर उन्होंने बोला कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. ठीक है, आने वाले टाइम में अगर कोई और कंट्री न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ करेगा तो प्रॉब्लम होगी. अब न्यूक्लियर मटेरियल की प्रॉब्लम क्या है, देखो न्यूक्लियर मटेरियल जो मेन है दैट इज इट कंटेन ऑफ, जैसे कोई और है न्यूक्लियर, ठीक है, उसके अंदर दो चीज़ें होती है, वन इज यूरेनियम 235, अनदर वन इज यूरेनियम 238. ये दो मेन चीज़ें हैं. ठीक है, बट हमें कौन सा चाहिए, 235. वी नीड दिस. अब ये वाला क्या है, फर्टाइल, इसको बोलते हैं फर्टाइल, उल्टा है करना, दिस इज अ फिजाइल. ठीक है, इट मीन्स वी नीड दिस यूरेनियम 235 फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, इट मीन्स बट इन नॉर्मल ओर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 इज जस्ट 0.4%. कि अगर आप निकालोगे, ठीक है, कोई न्यूक्लियर ओर में तो उसमें 99.6% क्या होगा, यूरेनियम 238. या तो उसे ब्रीड रिएक्टर से हमें प्लूटोनियम 239 कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन साइंस एंड टेक तो हो गया सभी का, बड़ा है ना ब्रीड रिएक्टर, कैसे कैसे चलता है आगे, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे मत करो. अब 0.4%, ठीक है, रेलिवेंट करते हैं ना करंट अफेयर, 235 मतलब 0.4%. अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, यू नीड अराउंड 4% ऑफ यूरेनियम 235 फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर. ठीक है, क्लियर. इट मीन्स कि अगर हमें कोई सपोज करो दूसरी कंट्री न्यूक्लियर मटेरियल दे दें हम 4% तक, बट प्रॉब्लम इज 0.4 से 4 आएगा कैसे. फॉर दिस वी हैव, क्या है हमें, हमारे पास सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज जैसे आप मक्खन निकालते हो ना घर में वाटर से, वो वाटर उसमें मिल्क से, यार मैं सुबह 11 बजे से क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यू. ठीक है, सेंट्रीफ्यूज, तो सेंट्रीफ्यूज होता है ऐसे घूम, इसके अंदर मटेरियल डालोगे तो ऐसे ऐसे घूमेगा, और यूरेनियम 238 ये गैस बनकर हो जाएगा. ठीक है, इट मीन्स कि अगर यहाँ पर 99.6 है, इसको बाद इसमें भेजेंगे, सेम इसकी इसमें कितनी होगी, उससे तो कम हो जाएगी है ना. और यूरेनियम मतलब एक ही आप कंसेंट्रेशन कम कर रहे हो, जैसे अगर मैं बोलूँ इन दोनों में से बड़ा कौन है, आप बोलो ये वाला, अगर मैं इसका ये हटा दूँ तो आप बोलो ये वाला छोटा है ना, ये वाला बड़ा है, समझे. मतलब यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, आप यूरेनियम 235 को रिमूव करते जाओ तो अल्टीमेटली परसेंटेज किसकी इंक्रीज होगी, 35 की. ऐसे ही होगा है ना, सेंट्रीफ्यूज यही काम करते हैं, दे रिमूव 238 एंड अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाती है 4%. अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं कॉन्सेंट्रेशन 90% तक ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर बम. ठीक है, इसको प्रोवेंट करना है. ठीक है, क्लियर. अब एसन होवर ने UNGA में अपनी स्पीच दी, जिसको बोलते हैं एटम फॉर पीस, तो बोलते हैं एटम फॉर पीस, एंड अल्टीमेटली दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. कितने बनी थी, 1957 ही है ना, 57. ठीक है, तो दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कि भी एक एनर्जी एजेंसी बना दी कि देखो हमने तो जो करना था कर दिया, अब बाकी ना कोई कर पाए है ना, तो उसको कंट्रोल करो, रेगुलेट.
ठीक है, अल्टीमेटली इसके अंदर एक प्रोविजन भी, दैट इज सेफ गार्ड प्रोविजन, जिसको बोलते हैं सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब क्या है, अगर सपोज करो कोई भी कंट्री न्यूक्लियर मटेरियल से न्यूक्लियर बम बना रही है, तो उसको ये एजेंसी देखेगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसके IAEA सेफ गार्ड में लिख लो, टू डिटेक्ट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन, टू डिटेक्ट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय अर्ली डिटेक्शन ऑफ मिसयूज by early detection of misuse of nuclear material or technology, ठीक है। मतलब centrifuge समझ आया, मतलब ये आपके पास centrifuge की technology है, आप उसको जितना जितना घुमाते जाओगे, interconnect करोगे एक दूसरे से, 4% पहुंच गया। अगर आप misuse करोगे कितने में पहुंच जाएगी, 90% पे। उसको रोकना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर तक ही रखो, एनर्जी प्रोड्यूस करो ठीक है कुछ, बट न्यूक्लियर बम नहीं बनाना ठीक है। बट इसका इतना बेनिफिट हुआ नहीं, उन्होंने लगा भाई हमें जितने के पास मटेरियल है वो भी डिक्रीज करना पड़ेगा, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ NPT और कैसे नो प्रोलिफरेशन ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि भाई प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, कोई भी रैपिडली इंक्रीज नहीं करे। अब इसमें ये फॉर्म हुई थी 1967 ठीक है, अब 1967 में फॉर्म हुई, लेकिन जो इंडिया इसका मेंबर है वो नहीं, क्यों, इंडिया इज नॉट पार्टी टू NPT। उसके रीजन थे, बिकॉज NPT ने बोला कि दोज कंट्रीज विच वर न्यूक्लियर पार्क बिफोर 1967, कि 1967 से जितनी कंट्री पहले है वो न्यूक्लियर पार है, वही रिकॉग्नाइज होगी न्यूक्लियर स्टेट, एंड ऑल अदर कंट्रीज आफ्टर 1967 विल बी कंसिडर्ड एज नॉन न्यूक्लियर स्टेट। इसका मतलब इंडिया न्यूक्लियर स्टेट तो 1967 से बाद में हुआ। यार ये ब्लैक वाला एक देना मार, खत्म हो गए, ब्लैक ब्लैक खत्म हो गए, क्लास में रेड है, मैं देख लेता हूं, एक एक मिनट बात सुन ले, आगे से ठीक हो बस, सारी है ये वाला जैसे इसका ठीक है, चलो कोई बात ठीक है, रेड देख लेना नहीं तो खून से लिख देंगे। NPT मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इट मींस कि दोस कंट्रीज हु बिकम अ न्यूक्लियर पावर आफ्टर 1967 उसको गिनेंगे नहीं, तो इंडिया इसका मेंबर बनेगा नहीं, क्योंकि इंडिया बोलता है जैसे मेंबर बना तो उसको न्यूक्लियर स्टेट तो रिकॉग्नाइज होगा ही नहीं ठीक है। दूसरा उन्होंने टाइम लाइन ही नहीं बताई, तो चार कंट्री मेजर जो इसके मेंबर नहीं है कौन से हैं, साउथ सूडान, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल। नॉर्थ कोरिया था इसका मेंबर, आई थिंक 90, हां जी नॉर्थ कोरिया वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस NPT, बट 2003 में उसने क्या बोला कि नहीं, उसने विथड्रॉ कर। अब इन चारों में कौन सी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान और इजराइल के बारे में बोलते हैं कि इसका पता नहीं कुछ, इसकी बात कितना न्यूक्लियर, उसने कभी रिवील नहीं किया। और साउथ सूडान इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर, इट वाज बिकेम इंडिपेंडेंट इन 2011 ठीक है। तो इसने बोला भी हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हुए, तुम न्यूक्लियर की बात क्यों कर रहे हो, तो इसने भी अभी ज्वाइन किया, बिकॉज इसके पास कोई क्लियरेंस है ही नहीं, कि क्लैरिटी होती ना कि क्या न्यूक्लियर प्रोड्यूस करेंगे या नहीं। अब NPT में एक कंट्री गलती करती है जिसका नाम है ईरान, ईरान बिकेम अ मेंबर ऑफ NPT इन 1970, ये बड़ी खुशी से मेंबर बन गया। अब NPT के अंदर एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 3 प्रोविजन 2। इस आर्टिकल के अंदर क्यों क्या लिखा हुआ कि जब आप NPT के मेंबर बनोगे ठीक है,
आप अल्टीमेटली किसके अंडर आ जाओगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सेफ गार्ड के अंदर। इट मीन्स कि आप जो भी करोगे वो सारा कौन देखेगा ऊपर से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सेफ गार्ड लिखाया हुआ ना मैंने, आईएईए का सेफ गार्ड क्या है। तो आर्टिकल 3 प्रोविजन 2 में उसने इंक्लूड कर दिया एनपीटी में, क्योंकि आईएईए के बाद ही तो बना एनपीटी, ठीक है। अब ईरान बन गया मेंबर, तो ईरान के साथ क्या हुआ, ठीक है। अब ईरान, ईरान वाज अ मेंबर ऑफ एनपीटी। उसके बाद ईरान ने समवेयर अराउंड 1957 फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान ने फॉर्म किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूएस। यूएस ने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया कि भाई ग्रोथ कर, 1957 एग्जैक्ट या एक दो साल ऊपर नीचे होगा देखते हैं, ठीक है, ग्रो करेगा। बट इसने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज जो मैंने पहले बताया था ना, सेंट्रीफ्यूज यूज किए, एंड दिस लीड टू यू कैन से एनरिचमेंट, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम की एनरिचमेंट करने लगा। कितनी चाहिए, नॉर्मल 4%, ये 20 तो ले गया, वो बोलते हैं कि 90 तक भी ले गया, जो इसके रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज है। अब इसको ऊपर से कौन देखेगा, आइए, क्योंकि इसको तो मेंबर है। अल्टीमेटली 2002 में अपोजिशन ने बोला कि ईरान इज एनरिचिंग यूरेनियम एंड इट इज मिस यूजिंग द वेरियस सेफ गार्ड्स। एंड अल्टीमेटली जब आईएईए ने देखा कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारा यूरेनियम एनरिच है, देन यूएस पुट अ सैंक्शन, उसने उसके ऊपर क्या लगा दिया, सैंक्शन। सैंक्शन मीन्स रिस्ट्रिक्शन, कि कोई भी ईरान से ट्रेड नहीं करेगा, जो भी करेगा भगवान के भरोसे करेगा, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ट्रेड वगैरह उसका भी बना। तो अल्टीमेटली सेंक्शन लग गया, एंड इन 2015 जो ईरान से न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी, है ना, यूएस ईरान न्यूक्लियर डील जिसको बोलते हैं, जो न्यूज़ में आ रही है, ठीक है, डील होगी, वो बोलते हैं ठीक है तुम्हारा ट्रेड ओपन है, पर कंडीशन क्या लगाई कि ऑल यू हैव टू डिस्पोज ऑल सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज जितने भी है तुम्हारे पास जिससे एनरिच कर रहे हो, यू हैव टू डिस्पोज इट ऑफ। एंड अल्टीमेटली नाउ ट्रंप अगेन पुट अ सैंक्शन, ट्रंप ने ट्रीटी नहीं मानी, कहता मैं नहीं मानता, उसने सैंक्शन लगा दी। रीजन तो वो देता नहीं है ना, उसके सारी जितनी बातें होती हैं फैक्ट्स होती हैं, जिसका कोई रीजन नहीं है ना, जैसे हम एग्जाम में जाते हैं ना, फैक्ट है बस, इतने परसेंट है, क्यों मैं पता नहीं, तो वो ट्रंप की बात है, क्यों मैं उसको भी नहीं पता, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने इसकी इसलिए दी, इसके अंदर जब आओगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एनपीटी में प्रोविजन लिखो, एनपीटी नॉन प्रिफिनिशन ट्रीटी, इसमें लिखो इट वॉज रिकोगनाइज दैट, स्टार्टिंग लिखो इट वॉज रिकोगनाइज दैट कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर डेटर्ड रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर डेटर्ड रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन, मतलब कोल्ड वॉर के टाइम पर पता चल गया था कि भाई माहौल खराब हो गया है ना। अल्टीमेटली सो देयर वाज अ फियर of more nuclear states, there was a fear of more nuclear states due to which they ultimately formed NPT. ठीक है, जो important है article of NPT 3 clause 2, ठीक है, आर्टिकल 3 भी लिखते हुए कहीं पर आर्टिकल 3 भी लिखा हुआ, आर्टिकल 3 उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ईच नॉन न्यूक्लियर स्टेट और ईच नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, आर्टिकल 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ईच नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट इज रिक्वायर्ड टू कंक्लूड सेफ गार्ड एग्रीमेंट विद IAEA,
conclude safeguard agreement with IAEA. IAEA उसके एनपीटी का एनपीटी की पार्टी है नहीं एनपीटी आईए उसका एनपीटी का मेंबर नहीं याद रखना बट उसकी एक प्रोविजन डाली है एग्जाम में अगर पूछा उसने वो उसकी उसका मेंबर है नहीं ठीक है क्लियर नो द थिंग इज एनपीटी की प्रोविजन क्या है बाइंडिंग और नॉट इट इज अ बाइंडिंग कमिटमेंट एनपीटी की प्रोविजन जो भी है ठीक है उसके अंदर जब भी आप आओगे इट विल बी अ बाइंडिंग कमिटमेंट ठीक है नाउ द आगे लिखो द रीजन बिहाइंड इंडियाज अपोजिशन टू एनपीटी कि भाई एनपीटी को इंडिया ने अपोज क्यों किया यही तो करना है हमें यही तो एग्जाम में पूछेंगे है ना दैट व्हाई इंडिया इज अपोजिंग एनपीटी नंबर वन एनपीटी डिफाइंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज दोज स्टेट्स which tested न्यूक्लियर डिवाइस बिफोर 1967 और इंडिया इसका मेंबर होगा फिर अगर मेंबर होगा तो इंडिया न्यूक्लियर स्टेट रहेगा नहीं है ना विच मीन्स इंडिया कैन नॉट एवर बी वन कि इंडिया उसमें आ ही नहीं सकता है ना ठीक है इंडिया कैन नॉट एवर बी वन ठीक है राइट द सेकेंड पॉइंट देर इज नो फिक्स टाइम लाइन देर इज नो फिक्स टाइम लाइन फॉर डिसआर्ममेंट एनपीटी ये भी तो बोलता है कि भाई नॉन प्रोलिफरेशन मतलब अल्टीमेटली वी हैव टू डिक्रीज आर्ममेंट्स और जितने भी न्यूक्लियर वेपन है ना लेकिन वो बोलता है इंडिया बोलता है भाई टाइम लाइन कहाँ पे है टाइम लाइन के बिना तो हमारी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती तुम्हारी टाइम लाइन कहाँ पे है ना टाइम लाइन तो जरूरी है द थर्ड पॉइंट इज एनपीटी इज अनफेयर ट्रीटी एनपीटी इज अनफेयर ट्रीटी एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैज नो ऑब्लिगेशन टू गिव देम अप कि मतलब अगर न्यूक्लियर स्टेट है ठीक है कि क्या लिखा आपने पहले लिखी हो नो ऑब्लिगेशन टू गिव देम अप while non-nuclear states are not allowed to have them. देखो ये बोलता है कि भाई जो न्यूक्लियर स्टेट है ना न्यूक्लियर स्टेट दे विल रिमेन न्यूक्लियर स्टेट ठीक है जो नॉन न्यूक्लियर है वो दे विल रिमेन नॉन न्यूक्लियर तो काहे की ट्रीटी भाई इक्वलिटी है ही कहाँ पे है ना जो न्यूक्लियर है वो जैसे जो अमीर है वो अमीर रहेगा जो गरीब है गरीब रहेगा ये है सेकुलरिज्म क्या कहाँ से है कोई मानेगा इसको है ना इट मीन्स या तो आप ऐसा करो कि जो न्यूक्लियर स्टेट है उनको बोलो डिक्रीज करो उसके लिए इन्होंने टाइम लाइन नहीं दी इंडिया ने क्रिटिसाइज किया सेकेंड इज नॉन न्यूक्लियर को या तो नॉन न्यूक्लियर रहने दो इनको भी नॉन न्यूक्लियर बनाओ ये कैसे बनेंगे अब यूएस को बोलोगे भी डिक्रीज कर वो बोलेगा पहले रशिया को बोलो रशिया का है ना तो अल्टीमेटली कम होगा तो एनपीटी भी ऑलमोस्ट डेड हो डेड इन द सेंस कि इसका बेनिफिट नहीं हुआ देन अगेन उनको लगा भाई ठीक है अब कंट्रीज को जैसे इंडिया और बाकी कंट्रीज को कैसे प्रिवेंट करें ऐसा करो भाई इनका जो इनको मटेरियल सप्लाई करते हैं न्यूक्लियर उसको ही बंद कर दो ठीक है अब स्टेबल बर्निंग से तो चलाएंगे नहीं ठीक है बट अल्टीमेटली दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टू थिंग्स दो चीज़ें बनी ठीक है फिर इनको मजा नहीं आया फिर इन्होंने दो चीज़ें बनाई
1974 में एक कंट्री आई थी जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, नाम उसका था साउथ अफ्रीका, अरे इंडिया। 1974 इंडिया ने न्यूक्लियर पोखरण वन जिसको बोलते हैं पोखरण वन टेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इनको लगा भी इनको तो रोकना पड़ेगा। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ एनएससी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसी केस में इससे पहले, ठीक है, एनपीटी के बाद दो ग्रुप इन्होंने बनाए, वन इज जैंगर ग्रुप, जैंगर कमेटी बोलते हैं, जैंगर कमेटी, अनदर वन इज एनएससी जो 1975 में फॉर्म हुआ, ठीक है। दो बनाए, वन इज जैंगर कमेटी, अनदर वन इज एनएससी, ठीक है, ओके। एनएससी का रीजन क्या था? रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएससी इज इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट, है ना। जैंगर कमेटी के अंदर क्या है, इट हैव अ ट्रिगर लिस्ट, ट्रिगर लिस्ट, ट्रिगर लिस्ट मींस व्हेन यू एक्सपोर्ट समथिंग। अब एनएससी क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये ग्रुप है 48 कंट्रीज का जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, उसमें देखते हैं भाई किसको देना है किसको नहीं देना, ठीक है। अब इस केस में उन्होंने दो चीज़ें बनाई थी, वन वॉज अ जेंडर ग्रुप, जेंडर कमेटी, अदर वॉज अ एनएससी। अब जेंडर कमेटी के अंदर ट्रिगर लिस्ट थी, इट मीन्स व्हेन पर्टिकुलर कंट्री सप्लाई मटेरियल टू अदर कंट्री दैट विल बी कम अंडर द सेफ गार्ड ऑफ IAEA। सेम कि अगर सपोज करो इंडिया को कोई कंट्री जापान, ठीक है, कोई मटेरियल सप्लाई करती है, तो इसने ट्रिगर लिस्ट दी हुई है कि अगर इस लिस्ट में जो भी मटेरियल होगा, है ना, वो सप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर आ जाएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एनएससी में क्या है, इट वॉज फॉर्म्ड एज, इसको लंदन ग्रुप भी बोलते हैं, लंदन ग्रुप, ठीक है, एनएससी ग्रुप। तो अगर लंदन ग्रुप आया तो देख लेना, ऐसा ना हो कि लंदन ग्रुप, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मोस्ट मीटिंग लंदन में होती, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लंदन ग्रुप, ठीक है। इतना समझ है, नाउ द थिंग इज, सारा समझ है कि पहले IAEA बना, ठीक है, सफिशिएंट नहीं था, देन दे फॉर्म एनपीटी। अब एनपीटी में भी इंडिया ने बोला नहीं, अब कुछ कंट्री बनी नहीं मेंबर उसका, देन दे फॉर्म न्यूक्लियर सप्लायर, ठीक है। देन उसके बाद आ जाओ 2005। अब देखो इंडिया मेंबर है न्यूक्लियर सप्लायर का, वेदर इंडिया इज मेंबर ऑफ एनएससी और नॉट, नहीं ना। इन 2005 इंडिया डिमांडेड न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम एनएससी। अब वो देंगे तो बोले पहले मेंबर तो बनो, है ना, मेंबर बनना इतना, इसका इतना आसान नहीं है। इसकी मेंबर लिस्ट देख लेना, एशिया में कौन कौन से, चाइना है उसमें। अब ये एनएससी की मेंबरशिप मिलेगी कैसे, ये किसके बेस पर काम करता है, कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस मतलब अगर सभी मानेंगे काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें एक कंट्री बैठी है प्यारी सी जिसका नाम है चाइना, ठीक है। अब चाइना इंडिया को अलाउ करेगा, चाइना कहता है ठीक है इंडिया को बना दो लेकिन साथ में पाकिस्तान को भी, चाइना इज इक्वेटिंग इंडिया विद पाकिस्तान। इंडिया तो खैर एक ही बना के बैठा हुआ बाप बेटा उसका, है ना, जब चलता है वो क्या बोलते हैं इसको, मौका मौका वाली है, ठीक है। इंडिया बोलता है आप इक्वेट कर रहे हो, यू आर नॉट ब्रदर्स, we are something others। It means कि consensus के ऊपर चलेगा। अब consensus तो चलेगा नहीं, चाइना बैठा हो चाइना अलाउ ही नहीं करेगा, है ना। Then in 2005 when India demanded nuclear material from NSD, then NSD ने क्या बोला, NSD denied material for Tarapur nuclear reactor, Tarapur nuclear reactor मना कर दिया, कहते नहीं लेंगे, मिलेगा क्योंकि इंडिया इज नॉट अ डेम्पर। और वो बोलते भाई तुम्हारी वजह से तो बना सर, है ना, कैसे देंगे। देन अल्टीमेटली इन 2008 में आपको पता है उस टाइम पर कौन था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, जैसे वो एक
अपना यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी आपने आलिया भट्ट वाली, इसमें आलिया भट्ट जो इंटरव्यू लेते हैं ना बोलते हैं भाई इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो नहीं वो आलिया भट्ट वो पुरानी है उसको फिर भी अकल नहीं है, आपने देखी वो नहीं है, वो बोलते जी इंडिया का प्रेसिडेंट है अपना आई थिंक कोई रितेश देशमुख का फादर था ना जो महाराष्ट्र में, क्या नाम था उसका, लासराव देशमुख, ठीक है, तो साइड में वरुण धवन खड़ा था, वो हंसने लगा कहता तेरे को इतना ही बताओ, कहता आप बताओ, कहते हैं मनमोहन सिंह, ठीक है। 2008 में इंडिया को यूएस से वेवर मिल जाता है, वेवर मीन यूएस अलाउ कर देता है, ठीक है, यूएस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ एनएसई, मेंबर तो है बट वो अलाउ कर देता है, जिसको बोलते हैं 123 एग्रीमेंट, 123 एग्रीमेंट, ठीक है, कि ठीक है अभी हम आपको न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, आपके न्यूक्लियर मटेरियल जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होगा वो किसके अंदर आएगा, IAEA, इट मीन्स उस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम एनरिचमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं, मतलब जितना एनर्जी के लिए चाहिए उतने करेंगे, ठीक है। अब ये 123 एग्रीमेंट था यूएस अटोमिक एनर्जी एक्ट 1957, यूएस अटोमिक एनर्जी है 1954, ठीक है, इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है, 9 प्रोविजन है नॉन-प्रोलिफरेशन के, ये यूएस का अपना एक्ट है, यूएस एनर्जी एक्ट, ठीक है, 1954, इसके अंदर उसने लिखा हुआ कि अगर यूएस किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट और अदर नॉन एनएससी मेंबर से कोई भी एग्रीमेंट करता है तो उसके सारे जो भी जिसको मटेरियल प्रोवाइड हुआ जिस न्यूक्लियर रिएक्टर को दे शुड कम अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अब इस टाइम पर इंडिया इनफॉर्मल एग्रीमेंट यूएसए करता है कि ठीक है हम ले आएंगे आईए के अंदर बट हमें एनएसजी का वेवर दिला दो, वेवर मतलब अलाउ, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या एक्सेप्शन दे दी, मतलब इंडिया को मिल गई परमिशन, ठीक है, ऑल दो इंडिया वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी एट दैट टाइम, इवन नाउ इट इज नॉट अ मेंबर, इवन देन इट स्टार्ट्स गेटिंग अ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम यूएस, ठीक है, और यूएस के सामने इन्होंने क्या बोला था कि हमें एनएसजी से जितनी भी कंट्री हैं सभी से, मतलब टोटल एनएसजी से वेवर दिला दो और हम अपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिनको मटीरियल मिलेगा वो देंगे, एंड अल्टीमेटली 2010 इंडिया गॉट क्लीन वेवर फ्रॉम एनएससी और इंडिया को एनएससी में वेवर मिल गया, ठीक है, क्लीन वेवर फ्रॉम एनएससी, क्लियर, इतना समझ आया, पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी देन एनपीटी फॉर्मेशन, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनपीटी देन एनएससी, अब एनएससी का इंडिया मेंबर बनना चाहता है, इंडिया वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनएससी बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि एनएससी के अंदर भी एक प्रोविजन है कि इफ यू आर मेंबर ऑफ एनपीटी ओनली देन यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एनएससी, यूपीएससी ने लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था कि भाई इफ इंडिया गेट अ वी कैन से मेंबरशिप ऑफ एनपीटी इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ एनएससी, सही है, नहीं ऑटोमेटिकली नहीं, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, एनपीटी इज अ क्वालिफिकेशन, जैसे आपको बोलते हैं अगर प्री निकालोगे तो फिर ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली आईएएस बन जाओ, मतलब मेंस एग्जाम और भी तो काम करना पड़ेगा, सिमिलरली क्योंकि एनपीटी के तो आई थिंक 191 मेंबर अप्रॉक्सीमेटली और एनएससी के जितने मेंबर है 48, तो इट मीन्स कि ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली बनेगा बट इट इज अ कंडीशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनएससी, कि अगर आपको एनएससी का मेंबर बनना है देन यू हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनपीटी। नाउ द थिंग इज व्हाई एनएससी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, न्यूक्लियर, देखो एनएससी दो चीजें देगा, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल नो व्हाई द वेस्टर्न कंट्रीज आर सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ न्यूक्लियर,
फ्रेंडशिप वगैरह कोई नहीं है, वो 10 लाख का कोर्ट डालकर ऐसे करने से नहीं कुछ होगा. द रीजन इज दैट इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर न्यूक्लियर मटीरियल, और अल्टीमेटली इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं कि भाई इसको एनएससी की मेंबरशिप दिलाओ एंड अल्टीमेटली हम क्या प्रोवाइड करेंगे. अगर एनएससी वेवर ऐसे कुर्ता मिल गया उनको पता है हमारा माल बिकेगा, है ना. हिडन रीजन तो यही है. एनएससी विल प्रोवाइड यू टेक्नोलॉजी, एक तो टेक्नोलॉजी देगा अगर आप मेंबर बन जाओ, सेकेंड मटीरियल है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी. ठीक है, अब वेवर है हमारे पास, वेवर इट मीन्स वी आर गेटिंग न्यूक्लियर मटीरियल फ्रॉम कंट्रीज, मिल रहा है हमें, है ना, न्यूक्लियर मटीरियल तो कंट्री से. तो इस न्यूक्लियर मटीरियल और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर इंडिया एनएससी का मेंबर बनता है इसमें टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. फॉर एग्जांपल एनएससी के अंदर टेक्नोलॉजी अपडेशन चलती रहती है, रिसर्च चलती है, जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया को मिल जाएगी. बट इन वेवर जो कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी, फॉर एग्जांपल रशिया कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है हमारी कंट्री में, उसी केस में टेक्नोलॉजी आएगी जिस टाइप का आप एग्रीमेंट करोगे. समझे आप कि नहीं, मतलब इफ़ यू बिकम अ मेंबर ऑफ एनएससी यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ हाई टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर. बट वेयर एज इफ यू आर गेटिंग अ न्यूक्लियर मटीरियल थ्रू वेवर यू विल गेट अ ओनली दैट टेक्नोलॉजी विच यू आर इम्पोर्टिंग, दैट्स इट. अदरवाइज तो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. इसमें तो जिससे अगर आप रशिया से एग्रीमेंट कर रहे हो तो बोलते हैं ठीक है इस टेक्नोलॉजी का तेरा न्यूक्लियर रिएक्टर बना दूंगा, वही है. Now the thing is why NSC important, INDC, Intended National Determined Contribution. INDC का नाम याद है, मैंने कई बार करवाया था. INDC मतलब इंडिया ने एक पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया है, ठीक है, कि हम बाई 20-30-40% अपना रीन्यूएबल एनर्जी शेयर बना रहे हैं. अब रीन्यूएबल एनर्जी शेयर के लिए हमें न्यूक्लियर की जरूरत है, ठीक है. इट मीन्स टू अचीव INDC इंडिया नीड NSC. सो फर्स्ट लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ एनएससी फॉर इंडिया. फर्स्ट इज इंडियाज INDC टारगेट्स. इंडियाज INDC टारगेट अंडर विच INDC मैं एनवायरमेंट में करवाऊंगा, ठीक है, आपको एनवायरमेंट under which India committed 40% of its energy, from renewable resources, के renewable से आए, है ना. Second is although India got NSC waiver But it is still out of latest technology. ये भी मैंने समझा दिया क्यों, है ना. Now third thing is Namibia. देखो अफ्रीका कंट्री में एक ट्रीटी है जिसका नाम है पेनिंगाबा, PELINDABA, पेनिंगाबा. बाबा मत लिखना, दाबा है, ठीक है, बाबा बहुत चलते हैं आजकल तो सफिक सी बन गया, है ना, पेनिंगाबा ट्रीटी. अब इस ट्रीटी में ये बोलती है कि कोई भी कंट्री, जैसे नामीबिया से हमने क्या मंगवाया, न्यूक्लियर मटीरियल, ठीक है. अब नामीबिया इज अ मेंबर ऑफ पेनिंगाबा, इसकी भी कंडीशन है कि हम न्यूक्लियर मटीरियल उसको ही प्रोवाइड करेंगे विच इज अ मेंबर ऑफ NPT. तो इसका मतलब इसमें भी इंडिया को, है ना, NPT का मेंबर है नहीं, तो ये भी नहीं मिली. सो इट मीन्स इफ इंडिया बिकम NSC मेंबर तो वो तो NPT से और ऊपर है, देन इंडिया विल ऑटोमेटिकली गेट अ न्यूक्लियर मटीरियल. सो इसमें देखो नामीबिया इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम. नामीबिया, NAMIBIA, नामीबिया इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम एंड इट एग्रीड टू सेल न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया. इट एग्रीड to sell nuclear fuel to India in 2009. तो 2009 में वो agree कर गया, ठीक है, हम provide करते हैं, full stop. However, that has not happened. हुआ नहीं.
as Namibia, as Namibia has signed Pelindaba Treaty. As Namibia has signed Pelindaba Treaty, which control supply of uranium, which control supply of uranium. Full stop. If India joins NSC, it helps to get nuclear material. If India joins NSC, it helps to get nuclear material. एक और देखो, एनएससी वेवर है इंडिया के पास. अब कंट्री बोलती है कि ठीक है, एनएससी वेवर है, हम न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे. इंडिया में सिविल न्यूक्लियर मटेरियल काफ़ी सारे, न्यूक्लियर रिएक्टर काफ़ी जिनको सप्लाई होता है. अब कंडीशन क्या है कि कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर कोई आपके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है, दैट विल ऑटोमेटिकली कम अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें करने की जरूरत नहीं है. तो सेकेंड थिंग इज, जापान ने रिसेंटली बोला था कि भाई हम न्यूक्लियर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, बट उसमें एक कंडीशन है कि हमें जब भी लगा कुछ ऊपर नीचे हुआ हम बंद कर दें. इट मीन्स आपने इतने न्यूक्लियर रिएक्टर बना लिए, एट दैट टाइम अगर जापान बोले भी हम नहीं देंगे नहीं, तो क्या करोगे, है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी. इफ इंडिया बिकम एन एस सी मेंबर, सो इट कैन वॉइस इट्स कंसर्न कि भाई ये क्यों किया है, है ना. सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी. तो लिखो, इंडिया विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिया विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉइस इट्स कंसर्न इफ इन केस ऑफ चेंज इन प्रोविजन ऑफ एनएससी गाइडलाइंस. एनएससी गाइडलाइन के अंदर कोई भी प्रोविजन चेंज हुई, देन इंडिया कैन वॉइस इट्स कंसर्न भी क्यों किया, है ना. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पेडिमेंट्स और रोड ब्लॉक. इम्पेडिमेंट्स टू इंडियाज एनएससी बिड, मतलब इंडिया कौन कौन से रोड ब्लॉक है. सबसे बड़ा पत्थर कौन है रास्ते का, चाइना, है ना. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज, एनएससी ऑपरेट बाय कंसेंसस. एनएससी ऑपरेट बाय कंसेंसस, के कंसेंसस की बेस पर चलता है, सभी वोट करेंगे ओनली देन. एंड ऑल इट्स करंट मेंबर्स आर सिग्नेटरी टू एनपीटी. तो इट मीन्स एक तो रोड ब्लॉक हो गया हमारा एनपीटी, ठीक है. सेकंड इज मेंबर ऑफ एनपीटी. स्टार्टिंग में देखो, ब्राजील और अर्जेंटीना ये मेंबर नहीं थे एनपीटी के, इन्होंने पहले एनएससी ज्वाइन की, देन दे ज्वाइंट एनपीटी. तो वो आप ऑपोजिट भी लिख सकते हो, इंडिया कैन ऑल्सो डू दैट. ठीक है, अच्छा. चाइना इक्वेट इंडिया विद पाकिस्तान. चाइना इक्वेट इंडिया विद पाकिस्तान विच हैज एन एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. कि भाई चाइना की तो पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है, और पाकिस्तान के साथ हमें कैसे इक्वेट करोगे, है ना. आप बोल रहे हो पाकिस्तान एनएससी का मेंबर बन जाए, ठीक है. नेक्स्ट एक और आर्टिकल आया था, थोड़ा सा डिफरेंट है. व्हाई इंडिया डज नॉट नीड एनएससी मेंबर. उल्टा हेडिंग, व्हाई इंडिया डज नॉट नीड एनएससी मेंबरशिप. कि भाई एनएससी मेंबरशिप क्यों नहीं चाहिए, ऐसा भी आर्टिकल है. देखो क्या क्या लिखते हैं. हाँ जी, नहीं थोरिंग, देखो आप यूरेनियम 235 को कन्वर्ट यूज कर, एज इट इज कर रहे हो,
39 को आप करोगे प्लूटोनियम 239 और 38 को है ना, थोरियम को आप करोगे 235, थोरियम को कितना होता है एटॉमिक नंबर 234 है ना, इसी के आसपास होगा तभी तो उसको कन्वर्ट करेंगे। थोरियम इज अ फर्टाइल मटेरियल है ना, वो डायरेक्ट तो यूज नहीं होगा, उसमें ब्रेड रिएक्टर उसको बोलते हैं ब्रेड, तो आपने साइंस एंड टेक में सर नहीं करवाया ठीक है। व्हाई इंडिया डज नॉट नीड एनएससी मेंबरशिप, वो बोलता है भाई वेवर तो है इसके पास, देखो आर्गुमेंट तो करना ही है ना, जो डिफरेंस था रही है तो मैंने बता दिया, इसने नहीं बोला बट उसको मैंने बता दिया कि अगर मेंबर बनेगा तो विल गेट अ रेडीमेड टेक्नोलॉजी और यू कैन से वेरी हाई टेक्नोलॉजी है ना, इट विल गेट अ एक्सेस टू ऑल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन एनएससी, लेकिन अगर वेवर है तो देन ओनली दोज टेक्नोलॉजी विच कम अंडर एग्रीमेंट विद द पर्टिकुलर कंट्री ठीक है। अब आर्गुमेंट क्या करते हैं, देखो इंडिया ऑलरेडी गॉट अ वीवर सो नो नॉट मच बेनिफिट, इंडिया ऑलरेडी गॉट अ वीवर सो नॉट मच बेनिफिट बाय बिकमिंग अ मेंबर ठीक है। सेकेंड आर्गुमेंट इज 2008 वेवर इंश्योर इंडियाज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड नो फॉरेन डायरेक्टर इंश्योर इंडियाज एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड नो फॉरेन डायरेक्टर फॉरेन डायरेक्टर एंड नो फॉरेन रिएक्टर सप्लायर इज एक्चुअली वेटिंग फॉर इंडियाज एनएससी मेंबरशिप। क्यों बोलता भी जो फॉरेन कंट्री से जिसने भी इन्वेस्ट करना है इंडिया में ही इज नॉट वेटिंग फॉर दैट वेवर कि इंडिया आपको कब वेवर मिलेगा हम कब इन्वेस्ट करेंगे, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि कब आप मेंबर बनोगे कब हम इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट इज फॉर्मर अटोमिक एनर्जी कमीशन हैव ऑल्सो सेड दैट, थोड़ी स्पीड फास्ट रखूँगा टाइम लिमिट है, फॉर्मर अटोमिक एनर्जी कमीशन हैव ऑल्सो सेड दैट इंडिया कैन लिव विदाउट एनएससी मेंबरशिप ठीक है। तो बोलता है हमें मेंबरशिप के बिना भी हम रह लेंगे ठीक है। नो राइट नाउ इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर टू कैटेगरी, वन इज सेफगार्ड ठीक है, सेफ गार्ड है, अनदर वन इज क्या बोलते हैं उसको अनसेफ गार्ड ठीक है। दो तरह की है, वन इज सेफ गार्ड एंड अनदर वन इज अनसेफ ठीक है। सेफ गार्ड की कौन सी होगी, जिसमें हम इम्पोर्टेड यूरेनियम यूज कर रहे हैं, इम्पोर्टेड यूरेनियम। सेफ गार्ड का मतलब है इट विल बी कम अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड अनसेफ गार्ड हमारा जो इसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा, लोकल न्यूक्लियर मटेरियल। इन दिस वी विल यूज इंपोर्टेड ठीक है, क्लियर। तो मिलिट्री वाला हमारा मिलिट्री रिएक्टर किसमें आएगा, मिलिट्री रिएक्टर ऑफ इंडिया वो किसमें आएगा, अनसेफ गार्ड ठीक है, वो सेफ गार्ड में रख के हम लोग कुछ कर ही पाएंगे। तो अगर एग्जाम आया तो मिलिट्री रिएक्टर थे वो हमारे अनसेफ गार्ड में ठीक है। राइट नाउ अगर टोटल फैसिलिटीज वर्किंग तो कम है ठीक है, टोटल जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इस टाइम पर हमारी 26 जो IAEA के अंदर है, IAEA इस टाइम पर अभी रिसेंटली 4 इंक्लूड किया है उन्होंने आई थिंक फेब्रुअरी और मार्च में। अब अगर ऑपरेशनल की बात करूँ क्योंकि इसमें 26 में वो भी है जो फ्यूचर में बनेंगे जिसमें एग्रीमेंट हो चुका है। अच्छा अगर एग्जाम ने पूछा कि भाई जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जिस अभी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे हैं दे विल ऑटोमेटिकली कमांडर आई है
ये याद रखना, उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, दे विल ऑटोमेटिकली कम अंडर IAEA। ठीक है, जो अभी राइट नाउ 22 ऑपरेशनल है उसमें से 14 IAEA के अंदर है। अगर ऑपरेशनल की बात करूँ तो 22 आर ऑपरेशनल, आउट ऑफ देम 14 आर अंडर IAEA। तो ये टोटल पोटेंशियल मतलब फैसिलिटीज जो जितनी आगे बनेगी भी बाई 20, 30 और 35, आउट ऑफ ऑपरेशनल देर आर 22 ऑपरेशनल एंड 14 आर अंडर IAEA। ये देखो